नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। तो इनका सर्वप्रथम क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्यवसाय में और लाइफ में प्रॉपरली सेटल कब हो पाएंगे, कब प्रोग्रेस मिलेगा, कब तक जो सारी दिक्कत कष्ट दुविधा है या जो यहाँ पर मनोवांछित जो परिणाम है वो कब तक मिलने वाला रहेगा। तो सर्वप्रथम इसमें लाइफ लाइन के साथ साथ भाग्य रेखा पर सर्वप्रथम गौर करना चाहिए। यहाँ पर देख पाएंगे कि इनकी भाग्य रेखा निकल रही है चंद्र के क्षेत्र से और यहाँ पर माइंड लाइन पर आकर के आप देख पाएंगे कि ये माइंड लाइन पर आकर के इस प्रकार से रुक गई है, धुंधली होती हुई चली गई है। फिर एक अनदर लाइन यहाँ पर स्टार्ट हुई है जो तकरीबन यहाँ पर इस प्रकार से पहुँची है हृदय रेखा पर, और वहाँ से फिर एक और रेखा इस प्रकार से प्रारंभ होते हुए फिर थोड़ी थोड़ी शाखा बनाते हुए इस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा के थोड़ा सा जो है बिछड़ने के कारण, ओवरलैपिंग होने के कारण इस प्रकार के प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। तो 33 के उम्र में अभी आप हैं, तो ये जो योग है ये 35 के आसपास तक रहने वाला रहेगा, यानी 35 की उम्र तक प्रॉपरली सेटल जो है नहीं रह पाएंगे। हालांकि चंद्र के क्षेत्र से निकलने के भाग्य रेखा निकलने के कारण व्यक्ति अच्छा खासा भूमि का मालिक, वाहन का मालिक, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से लाभ मिलने के साथ साथ शादी के बाद होने वाले प्रोग्रेस को भी इंडिकेट करता है। तो ये जो योग है ये प्रॉपरली सेटल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये रेखा माइंड लाइन पर आकर के रुक गई है। उसके बाद अनदर लाइन स्टार्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस होने के साथ साथ बढ़ोतरी होने का भी योग है, और उसके बाद से प्रॉपरली आप जो है अपने लाइफ में सेटल और सक्सेस हो पाएंगे। अगर व्यवसाय के क्षेत्र में भी यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर भी व्यवसाय रेखा स्टार्टिंग में देख पाएंगे कितनी यहाँ पर धुंधली है, फिर यहाँ पर धीरे धीरे होते हुए मजबूत यहाँ पर चल रही है। तो ये भी तकरीबन 35 के उम्र के बाद में होने वाले प्रोग्रेस को ही इंडिकेट यहाँ पर आपके करते हुए देखने को मिलता है। आते हैं सीधे लाइफ लाइन पर भी। तो लाइफ लाइन पर भी जो एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और उसी के पैरेलल अनेकों फिर धीरे 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 जो है सक्सेस लाइन निकलते चली जा रही है। तो ये यहाँ भी जो एज ये इंडिकेट कर रहा है वो भी तकरीबन 35 ही कर रहा है। तो अभी 2 साल तकरीबन के आसपास में और आपको जूझना पड़ सकता है परिस्थितियों से, उसके बाद जो है उम्दा तरीके से आपका प्रोग्रेस लाइफ में और प्रॉपरली जो सेटलमेंट आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला रहेगा। आते हैं फिंगर के एनालिसिस पे दोनों, उसके बाद पूरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो फिंगर की लेंथ जो है शॉर्ट है पूरे पाम के कंपैरिजन में, जिसके कारण एनालिटिकल पर्सनैलिटी में ऐसे लोगों में कमी होती है। जल्दबाजी एवं हड़बड़ी में थोड़ा निर्णय ले लेने वाले होते हैं या फिर इमीडिएटली एक्शन पर जो है थोड़ा सा ज्यादा विश्वास रखते हैं। फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है ये इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, यानी खुले में स्वतंत्रता पूर्वक रहना, जीना, खाना पीना ऐसे लोगों को पसंद और एवं लुभाता है। साथ ही साथ खर्चीलापन भी जो है ये बहुत बताता है। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन अच्छी है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल इनकी अच्छी रहेगी, और फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा होना मित्रतापूर्वक स्वभाव को और तकरीबन हर माहौल में ढल जाने वाले व्यक्तित्व को भी बताता है। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण रॉयल्टी लाइफ में बहुत रखते हैं ऐसे लोग, नौकरशाही, नौकर चाकर ये सब रखना, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, रिस्क टेकिंग नेचर ये सब जो है इनके अंदर रहने वाला रहेगा। अंगूठे के क्षेत्र की जहां तक चर्चा करें तो अंगूठा यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट है, तो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप की पर्सनैलिटी भी इंडिकेट होती है कि इमिजिएटली जो है अग्रेसिव हो जाना, इमीडिएटली जो है चेंजेस एक्सेप्ट कर लेना लाइफ में, इसको ये इंडिकेट यहाँ पर करता है। अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में अवगत कराता हूँ। तो गुरु माउंट आपका थोड़ा वीक है, जिसके कारण जो सांसारिक एवं पारिवारिक सुख है उसमें थोड़ी कमी होती है, जैसे आर्थिक जो सुख है उसमें भी थोड़ी कमी देखने को या थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। माइंड लाइन के ऊपर से ही एक रेखा निकली हुई है जो इस प्रकार से विभाजित भी हुई है, जिसके कारण अपने मस्तिष्क, अपने बुद्धि के बलबूते पर लाइफ में सुख सुविधा एवं उच्च पद को जो है आप प्राप्त होने वाले रहेंगे। और वहीं लाइफ लाइन से भी इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन निकली है, जिसके कारण अच्छा खासा लाइफ में दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस होता चला जाएगा और जो आपके ड्रीम है वो तकरीबन सारे अचीव होंगे। शनि पर्वत आपका वीक है, तो कुछ भी चीज़ लाइफ में इजिली तो आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको संघर्ष या कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ भी पका पकाया माल जो है जीवन में नहीं मिलने वाला रहेगा। भाग्य रेखा का सहयोग तकरीबन अच्छा है, जिसके कारण थोड़ा जो है 35 समथिंग तक थोड़ा सा किसी ना किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद से जो है भाग्य रेखा भी मजबूत हुई है, तो उसके बाद से कोई भी दिक्कत या ऐसी कष्ट परेशानी नहीं है। यहाँ पे सूर्य रेखा की चर्चा करें तो माइंड लाइन से ही निकलते इस प्रकार से गई हुई है यहाँ पे, और ये सीधे जो है
बुध और सूर्य के बीच में झुक गई है, जिसके कारण खुद की संपत्ति बनने के साथ साथ पैतृक संपत्ति होने का योग बहुत ब्राइट है। दूसरी बात यह है कि अपने समझदारी और चालाकी भरे निर्णयों के साथ साथ इस प्रकार की बुद्धि के साथ आप अपने जीवन में बहुत उन्नति जो है करने वाले रहेंगे। और यहाँ पर जो एक प्रकार की इस प्रकार की रेखा करके धुंधली सी काटी है, तो ये सही नहीं होता है। ये पिता से होने वाले संबंधों में मतभेद एवं अनबन के साथ साथ जिस पोजीशन पे या फिर जिस चीज के आप हकदार है उस चीज को हासिल नहीं हो पाने को ये जो है व्यक्ति यहाँ पर करता है। तो इसके रेमेडीज मैं दूंगा व्हाट्सएप पे, जिसके कारण बेनिफिट्स मिलेगा। मर्करी माउंट आपका कुल मिलाकर के ठीक और बहुत बारीक बारीक सी हल्की हल्की अनेकों रेखाएं जो कि मेडिकल सिग्माटा का साइन होता है, जो एक प्रकार के सिंपथेटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। आकर्षित व्यक्तित्व भी रहेगा आपका, अच्छा खासा अपने चतुर चालाकी भरे निर्णयों के कारण ही जीवन में अच्छा प्रोग्रेस कर लेने वाले होंगे। बुध आपका अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अच्छा खासा समाज में फैमिली में आपको जो है कुलदीपक या फिर राजकुमार की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। तो ये जो है व्यापार में प्रोग्रेस के साथ साथ दो तीन ये जो बेनिफिट्स है ये भी देता है। और जहां तक चर्चा करें आपके हृदय रेखा के विषय में, तो हृदय रेखा जो है आपकी स्ट्रेट इस प्रकार से गई हुई है शनि के क्षेत्र से, जिसके कारण बहुत प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी आपकी, ज़्यादा इमोशनल नेचर नहीं रहेगा और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। सेल्फ और सेंटर फोकस जो है आप अपने लाइफ में ज़्यादा रहने वाले रहेंगे। यहाँ पर माइंड लाइन पर भी आते हैं, तो माइंड लाइन बिल्कुल यहाँ पर देख पाएंगे कि थोड़ी सी आगे चल करके डिक्लाइन हो रही है, जिसके कारण थोड़ी आगे चल के ओवर थिंकिंग या अंत में किसी भी बात के अंत में थोड़ी ज़्यादा चिंता कर लेना, ओवर थिंकिंग के साथ साथ इमेजिनेशन स्किल में होने वाली बढ़ोतरी को भी ये इंडिकेट करता है। परंतु देखा जाए तो लॉन्ग माइंड लाइन है, जिसके कारण लॉन्ग स्टडीज और हार्ड स्टडीज भी आप अपने लाइफ में कर सकते हैं, जिसके कारण प्रोग्रेस जीवन में अच्छा मिलने वाला रहेगा। स्ट्रांग मेंटिलिटी रहेगी, कोई ऐसी खराबी नहीं है यहाँ पे। और लाइफ लाइन की जहाँ तक चर्चा करें तो जो टीन एज है वो इतना अच्छा नहीं बीता है, और उसके बाद जो है लाइफ लाइन में इस प्रकार से गुरु से कनेक्टेड होने के कारण अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, और ये सीधे जो है चंद्र पर्वत की ओर ही आकर के अंत ले रही है। तो विदेश यात्रा का लाभ जो है जीवन में भरपूर मिलने वाला रहेगा। केतु के क्षेत्र पर भी जब इस प्रकार से गोलाकार आकार बनता है, तो ये यात्राओं चाहे वो छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी यात्राओं का सुख खूब मिलता है। हालांकि खर्चे खूब रहते हैं इन यात्राओं में, लेकिन प्रोग्रेस भी जो है जीवन में खुशहाली सुख जो है इसका आगमन भी इसी कारण से होता है। और जब केतु पर भी इस प्रकार के सिंबल बने तो ये अचानक से धन प्राप्ति के योगों को भी बता देता है। फिर यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल जो थोड़ी बहुत यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये सपोर्टिव लाइन है, जिसके कारण दूसरों का सहयोग अच्छा रहेगा जब जब आप किसी दिक्कत मुसीबत कष्ट परेशानी में रहेंगे। यहाँ पर चर्चा करते हैं आपके मंगल के क्षेत्र की, तो मंगल अंदरूनी और बाहरी दोनों तकरीबन अच्छा एरिया ले रहा है, जिसके कारण शारीरिक ऊर्जा गठन बल के साथ साथ मानसिक बल ऊर्जा साहसीपन धैर्यवान ये सब जो है आपके अंदर रहने वाला रहेगा। शुक्र के क्षेत्र की चर्चा करें तो शुक्र जो है आपका ओवर डेवलप है, ज्यादा एरिया ले रहा है, जिसमें सर्वप्रथम बेनिफिट ये एक होता है कि हेल्थ व्यक्ति का अच्छा रहता है, ज्यादा इसमें परेशानी नहीं होती, लेकिन खर्चीलापन जो है यहाँ बहुत रहेगा। दूसरी बात अच्छी ये है कि सुख सुविधाएं यानी लग्जरियस लाइफ आपका रहेगा, अच्छा गाड़ी घोड़ा बंगला जो है अच्छा खासा आपके पास जीवन में रहने वाला रहेगा। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा की अपेक्षा अगर थोड़ी आड़ी रेखा यहाँ ज्यादा है, जो अनावश्यक चिंताओं को भी व्यतीत करता है, जो थोड़ी ओवर थिंकिंग से भी व्यक्ति के आते हुए देखने को मिलती है, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हालांकि शुक्र अच्छा है, जिसके कारण ऐश्वर्य यश बहुत अच्छा जीवन में रहने वाला रहेगा। चंद्र के क्षेत्र की चर्चा करें तो चंद्र के क्षेत्र से भाग्य रेखा ही अपने आप में निकली है, जो एक प्रकार की सहयोगी रेखा होती है, जो यही बता रही है कि जितना आप अब जन्म स्थान से दूर रहेंगे उतना प्रोग्रेस मिलेगा, जितना आप दूसरों के प्रोत्साहन से दूसरों के सहयोग से जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, दूसरे लोगों में फेमस भी जो है आप होने वाले रहेंगे यहाँ पे। और जो आड़ी रेखा है ये विदेश यात्रा को ही व्यक्त करती है, और यहाँ से इस प्रकार के निकलने वाली रेखा ये बिजनेस लक लाइन है, जो व्यापार में होने वाले लाभ को प्रोग्रेस को यहाँ पर इंडिकेट करती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके हाथ में जो है प्रॉपरली मनी ट्रायंगल भी जो है यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, जिसके कारण धन जो है जीवन में बहुत अच्छा आएगा, वो धन रुकेगा भी बचेगा भी एवं बढ़ने वाला भी रहेगा, उसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है।
और राहु के क्षेत्र की जहां तक चर्चा करें तो ये थोड़ी जो है यहाँ पर इस प्रकार की जो आड़ी आड़ी रेखा काट रही है, बहुत माइनर माइनर सी लाइन है ये, जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेस जो है आपको रह सकता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन आपके हाथ में, जिसके कारण इन स्ट्रेस का कोई जो है मीनिंग नहीं रहेगा, ये सब मीनिंगलेस है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और रह गया हो तो जरूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।